सभी का इस शो में जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो अब जुड़े हैं उनको वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, और पहले से जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ हैं, साथ चल रहे हैं, तो मेरे ये महफिल सजाते हैं और प्रोग्राम शुरू करते हैं रंगे महफिल। और रंगे महफिल की शुरुआत आगाज में जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपके नजर करता हूं। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई से, रोज तुमको मांगता हूँ, खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है, मेरी चाहत इबादत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। वो चेहरा चांद है, आंखें सितारे, वो चेहरा चांद है, आंखें सितारे, जमीन फूलों की जन्नत हो गई है, जमीन हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है,
बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, चले भी आओ मुद्दत हो गई है, चले भी आओ मुद्दत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक, मैं हूं आपके बीच ताहिर, आपका अपना। और मैंने तो स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में ही आपसे कह दिया कि जो आप मुझे कहेंगे, मैं तो यही समझता हूं कि मेरे आप सामने बैठे हुए हैं, जो आप कहेंगे कुछ हम कहेंगे और कुछ हम वो कहेंगे जो आपने कहा है। यूपी हकीमगंज से आसिफ अंसारी साहब, तालिब शेख, मुकीम शेख, इमरान शेख, अपनी बातों में मेरा नाम के हवाले रखना, अपनी बातों में मेरे नाम के हवाले रखना, मुझसे दूर हो तो खुद को संभाले रखना, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो रंगे महफल, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये बहुत ही बेहतरीन गजल, नाइस प्रेजेंटेशन, किशन वंजनी, नीलम स्वाति और किशोर, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। हाय देव फ्रॉम डेली, हाय, कभी तो उनके भी दिल के प्यार बदलेंगे, उनकी आंखों से भी अश्क दो चार निकलेंगे, जो रोंद जाते हैं दिल की बस्ती को, उनके घोड़ों के जरूर सवार बदलेंगे। अच्छा, बहुत बेहतरीन। उसके अलावा तुम्हें गमों को समझना अगर ना आएगा तो मेरी आंखों में आंसू नजर आएगा, ये जिंदगी का मुसाफिर ये बेवफा लम्हा चला गया तो कभी लौट कर ना आएगा। अमित चौहान है, ग्राम सुहासा और ये जगह है सहरसा बिहार से। और मेरे पास है केपी तोमर, मेरठ से हैं, और इन्होंने ये मुझसे कहा है कि स्टार्टिंग में आप बता दीजिए करिए कि मैसेज एक्सेप्टेड है या नहीं। देखिए जी, बात यह है कि आपके दिल में जो आए आप लिख दीजिए तो हम जरूर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपके मैसेज कभी भी पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, आप लिख सकते हैं। गुरनौर से आदिल खमर साहब, ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं, ये वक्त एक आईना है, जैसे ही दिखेगा अपने किरदार को तो साफ दिखेगा, हकीकत बात है। और ये गजल गुलाम अली साहब की बहुत बेहतरीन गजल है, सुनिए, लौट कर जल्दी वापस आऊंगा।
चमन सारा कहे फूल जिसको चमन सारा
पुराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन, कोई बोले राम राम। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल, कोई बोले राम राम, कोई बुलाए, कोई से सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये कहा था ना मैंने, मैं यही सोचता हूँ सच में कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, आंखें मैंने बंद कर लेता हूँ और आप लोगों से बातें शुरू हो जाती हैं। नहीं होता, सोचिए कभी दिल से तो ऐसा ही लगेगा। ये जो महफिल सजी हुई है इसको परवान चढ़ाते रहें। आपके मैसेज के साथ आशीष नंदा आपको शिमला से सुन रहा हूँ। जिंदगी की राहों में तो चलते चलते हर मोड़ पर एक नया सफर होता है। बिल्कुल सही कहा, हर जगह एक नया सफर है। ये वक्त एक आईना है, जैसे हो वैसा ही दिखेगा, अपने किरदार को देखो तो साफ दिखेगा। बहुत बढ़िया जी। उसके अलावा वेलकम बैक वंस अगेन विद फ्लावर्स ताहिर भाई, कैसे हैं आप? वेरी नाइस शो, थैंक यू एंड एक्सेलेंट ट्रैक्स, वेल डन, कीप इट अप। आई एम अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जल्दी लौटकर आप लोगों के भी पास फिर से आऊंगा, ठीक है? आता हूं जभी जल्दी। चुपके चुपके रात दिन
आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो छुपाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक 102.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल और मैं हूं आपके साथ ताहिर। हकीमगंज से एक मैसेज है फरमान शेख, दरख्शा आरिफ, मुद्दतें लगती हैं अपना बनाने में, लोग लम्हों में पराया कर देते हैं। हकीकत बात है, ऐसे ही होता है। खैर कोई बात नहीं, जिंदगी है, चलता है, इसको निभाना आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। इन्होंने लिखा है कि आप हम लोग सब बैठे हुए हैं एक ही जगह आपका प्रोग्राम सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन ठीक है चलिए, जो आपने कहा हमने वो कह दिया। तुझमें छुपी हुई मेरी दुनिया है कहीं, तेरे बिना जी लूं कभी ये सोचा भी नहीं। जनकपुरी सहारनपुर से, ठीक है जी, थैंक यू।
आपका, आप लोग मैसेजेस लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये गाना सच में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कब्बन मिर्ज़ा की आवाज़ में है ये, इन्होंने कम गाने गाए हैं लेकिन बहुत ही बेहतरीन है जो भी इन्होंने गाया है। सुनिए जी जनाब, कैसा लगा बताइएगा जरूर। कब्बन मिर्ज़ा की आवाज बेहतरीन आवाज है, इसमें कोई तो राय नहीं। एक मेरे पास मैसेज आया है, नाराज होकर जिंदगी से नाता नहीं तोड़ते, मुश्किल राह में फिर भी, मुश्किल राह हो फिर भी मंजिल नहीं छोड़ते, तन्हा ना समझना खुद को कभी, हम उनमें से हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते। निर्भय सिंह, वेस्ट गारो हिल्स तूरा मेघालय से। देखिए ये बड़ी खुशी की बात है जब इतने दूर दूर से मैसेज आते हैं। मैं तो खैर
मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं पूरी दुनिया से आते हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, मैं देखा है। उसके अलावा यहाँ पर मेघालय बड़ी दूर है, लेकिन आपने सच में आप लोग इतनी मेहनत से प्रोग्राम सुनते हैं, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी ताकत लगा के जो आपने लिखा है, इतनी मोहब्बत से लिखा है, तो क्यों ना आपका ही पढ़ा जाए जो आपने लिख कर दिया है मुझे। खैर, आशा भोसले की आवाज़ में सच में बहुत बेहतरीन गायिका हैं, बहुत पुरानी गायिका हैं, अभी तक गाती हैं, और ये जो गीत है ये सुनेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई नई बात कर रहा हूँ, बेहतरीन गीतों में से इनका एक गीत है। सुनिए और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान
बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। शबलू की काय लालन की जात चमशारे So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक खूबसूरत परिधान दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो जी हाँ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ताहिर मैं आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो उसको जुदा हुए भी जमाना बहुत हुआ उसको जुदा हुए भी जमाना बहुत हुआ अब क्या कहें ये किस्सा पुराना हुआ भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों से हम किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए ये जो अपना गीत है जो आपके पास आ रहा है जो गजल आपके पास आ रही है सुनिए कैसी लगती है बताइएगा कितने हुए करीब कि हम दूर
क्या किसी ने खूबसूरत बात लिखकर भेजी है, किसी के दिल का दर्द किसने देखा है, जिसने भी देखा है सिर्फ चेहरा देखा है, दर्द तो तन्हाइयों में होता है, लोगों ने तो हमें हमेशा हंसते हुए देखा है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बेला सुरेखा जी की आवाज में भी आपने ये बेहतरीन गजल सुनी, सच में दिल को छू जाती है। ये तो खैर बहुत बेहतरीन गजल है, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कहती है। बहरहाल बेला सुलेखा जी की आवाज में भी आपने यू जिंदगी की राह में गीत सुना ही था। अब चलते चलते मैं इन्हीं की आवाज में एक और गजल आपको सुनाने जा रहा हूं, और यही कहना होगा कि वो वक्त आ गया है कि मुझे जाना है। अब जाना है तो जाना है, बस यही वादा है कि बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा, शायद कल ही और फिर परसों भी आ सकता हूँ। दुआ कीजिएगा अगर प्रोग्राम थोड़ा सा भी अच्छा लगा, अगर अच्छा नहीं लगा, मैं हकीकत बताता हूँ आपको, मुझे यही लगता है कि बिल्कुल आप लोग मेरे सामने हो, आपसे आपके अंदर दिल के उतर अंदर उतरने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कामयाब होता हूँ नहीं होता, बताइएगा। बहरहाल ताहिर को दीजिए जाने की इजाज़त, बहुत जल्द वापस आऊँगा। टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ख़ासतौर पे उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सुनते रहिए
आकाशवाणी का एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।
ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके व्यापक परिणामों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के